नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कर्व्स इन हिल रोड्स। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कर्व्स क्या होते हैं और रोड में कर्व्स को क्यों प्रोवाइड किया जाता है, कर्व्स को प्रोवाइड करने का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सभी हम लोग जो है पहले ही हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सिंपल प्लेन रोड के कर्व्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग हिल रोड में मौजूद कर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक सिंपल प्लेन रोड में जो ट्रांजिशन कर्व्स वगैरह जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो सब मौजूद होते हैं, लेकिन हिल रोड्स में उससे थोड़ा हट के अलग टाइप के कुछ कर्व्स मौजूद होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो सभी कर्व्स आखिर क्या क्या है जो कि हमारे हिल रोड में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा हिल रोड होता है ना, वहाँ पर जनरली हमारा तीन तरह का कर्व्स मौजूद होता है। सबसे पहला कर्व है दोस्तों हेयरपिन कर्व, दूसरा है दोस्तों साइलेंट कर्व, एंड तीसरा कर्व है दोस्तों हमारा री एंट्रेंट कर्व। तो चलिए इन तीनों कर्व्स को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा हेयरपिन कर्व। तो दोस्तों, हेयरपिन कर्व इसे इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये कर्व जो है देखने में बिल्कुल एक हेयरपिन की तरह होता है, यानी कि ये जो कर्व है दोस्तों ये 180 डिग्रीज में रोटेट कर जाता है और ये सेम उसी डायरेक्शन में वापस घूम के चला जाता है जिस डायरेक्शन से हमारा व्हीकल आ रहा था। यानी कि ये आप एक तरह से मान सकते हैं कि पूरा का पूरा यू टर्न हो जाता है हमारे व्हीकल के लिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह का कर्व है हमारा। इस तरह के कर्व्स दोस्तों एक हिल रोड के खड़ी चढ़ाई को पार करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। इन कर्व्स की बदौलत दोस्तों हमारा जो रोड का स्लोप है वो काफ़ी कम होता है और रोड का जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मिनिमम स्लोप विथ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये कर्व्स दोस्तों लैंडस्लाइड से भी हमारे सुरक्षित होते हैं। लैंडस्लाइड्स भी यहाँ पर होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और यार, ये रोड लॉन्ग ड्राइव के लिए काफ़ी मस्त है ना। देखो यार, कितना खूबसूरत है ये। पर दोस्तों, खूबसूरत चीज़ों में भी कभी कभी छुपे हुए खतरे मौजूद होते हैं, तो संभल कर ड्राइविंग करना। और दोस्तों, इन कर्व्स को बनाना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और साथ ही साथ इन कर्व्स में नेगोशिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हेयरपिन कर्व्स को जितना हो सके उतना कम ही प्रोवाइड करें और भूल भुलैया की दुनिया से बाहर निकलें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हिल रोड में जो हेयरपिन कर्व होता है उसका क्रॉस सेक्शन किस तरह का होता है। तो डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, ये कभी कभार एग्जाम में आ जाता है तो आपको शायद ये बनाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एक हेयरपिन कर्व को बनाने टाइम हमें कौन कौन से बातों का ख्याल रखना चाहिए। सो नंबर वन, तो दोस्तों जो हमारा हेयरपिन कर्व होता है ना, वो देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसमें सिंपली हमारा दो रोड्स होता है जो कि एक जगह से यू टर्न मारता है, मतलब सिंपल एक ही रोड होता है जो कि यू टर्न मारता है। तो अगर इसे बीच से काटा जाए तो ये दो रोड्स हो जाएगा। ओके, तो ये जो रोड सीधा सीधा जो स्ट्रेट रोड जा रहा है दोस्तों, तो ये स्ट्रेट जो रोड है ना, इस स्ट्रेट रोड का लेंथ जो है मिनिमम हमारा 60 मीटर्स का होना चाहिए, ये हमारा पहला क्राइटेरिया है। ओके, तो मिनिमम 60 मीटर्स से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 60 मीटर्स से कम नहीं होना चाहिए इस रोड का लेंथ। ओके, स्ट्रेट रोड बोल रहे हैं, यू टर्न मारने के बाद नहीं, ओनली एक स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड 60 मीटर्स, देन यू टर्न, देन 60 मीटर्स, देन यू टर्न, ऐसा आप करके रोड बना सकते हैं। ओके, तो ये था पहला क्राइटेरिया। अब सेकंड क्राइटेरिया में दोस्तों हमें रेडियस का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा जो कर्व है उसका जो इनर पोर्शन होगा ना, मतलब जो इनर कर्व है हमारा, उसका जो रेडियस है वो मिनिमम हमारा 14 मीटर से कम जो है नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब 14 मीटर से ज़्यादा आप रख सकते हैं लेकिन मिनिमम 14 मीटर होना चाहिए, उससे कम नहीं। और जो मिनिमम ट्रांजिशन लेंथ है दोस्तों वो हमारा 15 मीटर होना चाहिए, साथ ही साथ हमारा जो मिनिमम डिज़ाइन स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर का होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सुपर एलिवेशन इन सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व है ये हमारा 1:10 का होना चाहिए। फिर दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्रेडियंट है वो हमारा 1:40 एंड 1:200 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा द अप्रोच ग्रेडियंट शुड नॉट बी स्टीपर देन 5% ऑफ 40 मीटर्स, यानी कि दोस्तों जो हमारा रोड का चढ़ाई है ना, जो ग्रेडियंट है रोड का, वो 5% से ज़्यादा हमारा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है गुड विजिबिलिटी को लेकर। तो दोस्तों, अब हमारा जो हेयरपिन कर्व्स होता है, यहाँ पर हमें अच्छी तरह से विजिबिलिटी पाने के लिए आसपास के पेड़ों को या फिर आसपास के चट्टानों को जो है थोड़ा सा कट करना पड़ता है और वहाँ का एरिया थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना पड़ता है ताकि जब हम लोग टर्न लें तो उधर से हमें आते हुए व्हीकल भी आसानी से नज़र आ जाए और विजिबिलिटी थोड़ी सी हमारी अच्छी हो जाए। आखिर में दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा कैरिज वे है कर्व का, उसका जो वेट है दोस्तों, उसका जो मिनिमम वेट है वो हमारा 11.5 मीटर से 9 मीटर तक का होना चाहिए टू लेन के लिए।
और 7.5 मीटर्स तक का होना चाहिए दोस्तों हमारा सिंगल लेन के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल क्राइटेरिया जो कि हमें हेयर पिन कर्व को डिज़ाइन करने टाइम ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों यही था हमारा हेयर पिन कर्व। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कर्व में जो कि है सेलेंट कर्व। तो सेलेंट कर्व क्या होता है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो सेलेंट कर्व है वो देखने में कुछ इस तरह का होता है। इस तरह के कर्व्स में क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो हिल रोड है उसके आउटर एज में कन्वेक्सिटी हमारा होता है। इस तरह के कर्व्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए। तो डेफिनेटली ये चोर पुलिस खेलने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। अब दोस्तों इस कर्व में भी हमारा बेटर विजिबिलिटी के लिए हिल साइड का कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन कट किया जाता है ताकि अच्छा विजिबिलिटी मिल सके और अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे व्हीकल को हम लोग रियल टाइम में देख सकें। तो दोस्तों ये था हमारा सेलेंट कर्व जो कि हिल के बिल्कुल कॉर्नर्स पे होता है, तो इसलिए इसे कॉर्नर बेंड्स भी बोला जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है री इंट्रेंट कर्व। तो चलिए देखते हैं कि री इंट्रेंट कर्व आखिर होता क्या है। अब दोस्तों जो हमारा री इंट्रेंट कर्व है ना इसमें क्या होता है हमारा जो हिल रोड है उसके इनर एज में कन्वेक्सिटी होता है। हमारे सेलेंट कर्व में आउटर एज में कन्वेक्सिटी था, इसमें हमारा इनर एज में कन्वेक्सिटी है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं जो आउटर एज में हमारा कन्वेक्सिटी है यानी कि जो कॉर्नर्स में कन्वेक्सिटी है वो हमारा सेलेंट कर्व है, और जो हमारा इनर एज में कन्वेक्सिटी है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये है हमारा री इंट्रेंट कर्व। तो दोस्तों क्योंकि इस कर्व में हमारा इनर साइड में कन्वेक्सिटी होता है तो दोस्तों इस कर्व का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना वो हमारे हिल साइड से दूर लाई करेगा, यानी कि ये हमारा हिल में लाई ही नहीं करता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हवा में होता है। ओके हाँ, और जो हमारा सेलेंट कर्व था उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारा हिल में ही लाई कर रहा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला था, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, आज तक तो नहीं पूछा गया बट शायद पूछ सकता है। दोस्तों जो हमारा री इंट्रेंट कर्व है ना ये हमारा सेलेंट कर्व के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है। ये ज़्यादा डेंजरस हमारा होता नहीं है क्योंकि इसका जो कन्वेक्सिटी है वो हमारा इनर एज में होता है, इसमें पैरापेट वॉल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी सेफ्टी के लिए हम लोग पैरापेट वॉल यहाँ भी डालते हैं क्योंकि भाई ये कर्व है और जहाँ कर्व हमारा होता है वहाँ पर पैरापेट वॉल तो डाला ही जाता है। अब दोस्तों इसे सेलेंट कर्व के मुकाबले लेस डेंजरस इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारा विजिबिलिटी का कोई दिक्कत ऐसा होता नहीं है क्योंकि सामने से आ रहे व्हीकल को भी हम लोग आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। बट जो हमारा सेलेंट कर्व था वहाँ पर दोस्तों हमारा सामने से आ रहा व्हीकल हमें अच्छे से नज़र नहीं आता था, विजिबिलिटी के लिए हम लोग थोड़ा बहुत जो है पत्थरों को हिल को थोड़ा सा क्लियर करते थे बट फिर भी हमें वहाँ पर विजिबिलिटी की थोड़ी तो दिक्कत थी। बट यहाँ पर वैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं तो ये हमारा लेस डेंजरस है सेलेंट कर्व के मुकाबले। तो यही है यार हमारा री इंट्रेंट कर्व। कभी कभार एग्ज़ाम में सेलेंट कर्व एंड री इंट्रेंट कर्व के बीच डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो इसलिए मैंने आपको इसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट टाइप का करके बताया। तो आई होप दोस्तों आपको सेलेंट कर्व, री इंट्रेंट कर्व एज वेल एज हेयर पिन कर्व ये तीनों टाइप के कर्व्स जो है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।